सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकाल एडिशन सेटअप के बारे में। एंड यहां पे आपको कंट्रोल सेंटर से लेकर लॉक स्क्रीन तक काफी कमाल का व्यू देखने को मिलेगा एंड आइकन्स भी आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी यार, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को यार पहली बार विजिट किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मिस न कर पाओ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेटअप के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखो यार, काफी कमाल का आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाएगा। एंड इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए मैंने तीन थीम्स का यूज किया है जो कि यार काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग सा वॉलपेपर यूज किया है। वॉलपेपर में क्या है, आपको ड्यूअल टोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्लॉक विजिट को सेट कर लिया। एंड यहाँ पे आपको रेड कलर देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आइकन्स को सेट कर लिया। तो आइकन्स में यार काफी कमाल का आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाता है एंड कंप्लीट आइकन्स आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड जो सिस्टम आइकन्स होते हैं एंड जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनमें यार लुक काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। एंड इस सेटअप को आपको डार्क मोड में इनेबल करना है। साथ ही इस सेटअप के कंट्रोल सेंटर की बात करें वो भी यार कंप्लीट चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे डिजाइन चेंज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बैकग्राउंड तो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा बट आपको टोंगल्स में यार इफेक्ट काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस लेवल भी आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाती है। एंड नोटिफिकेशन पैनल की बात करें उसमें आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल सा व्यू देखने को मिल जाएगा। एंड सेटिंग वाई की बात करें वो यार कंप्लीट चेंज हो जाती है। एंड यहाँ पे सेटिंग वाई में आपको वॉलपेपर ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा बट आपको यहाँ पे जो फॉन्ट देखने को मिलती है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही सेटिंग वाई में आपको जो टोंगल्स देखने को मिलते हैं वो भी यार इंटरेस्टिंग देखने को मिलते हैं। सर्कल वाली आपको यहाँ पे शेप देखने को मिल जाती है एंड आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही अब बात करें इस थीम के वॉल्यूम बार के बारे में, तो वॉल्यूम बार में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इस सेटअप को कस्टमाइज करते वक्त यार एक चीज मिस हो गई जो है इसका डायलर यूआई। देखो जिसके स्मार्टफोन में गूगल डायलर इंस्टॉल है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट जिसके स्मार्टफोन में MIUI डायलर इंस्टॉल है यार उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल सकती है बट आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता यार, आपको यहाँ पे नॉर्मल सा व्यू देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करें इस थीम के लॉक स्क्रीन के बारे में, तो ये आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाती है एंड इंटरेस्टिंग सा आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलता है। क्लॉक विजिट भी आपको यहाँ पे यूनिक देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपको कैलेंडर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ सोशल मीडिया ऐप देखने को मिल जाता है बट आपको यहाँ पे अनलॉक मेथड कुछ डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे अनलॉक हो जाता है अपना स्मार्टफोन। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको स्वाइप राइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो ये लॉक देखने को मिलता है इसको आपको राइट साइड में स्वाइप करना है एंड उसके बाद ही आपका स्मार्टफोन अनलॉक होगा। ये मुझे यार काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा एंड कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे डिजाइन भी चेंज देखने को मिल जाती है एंड कंप्लीट आपके सामने लुक चेंज देखने को मिलता है। एंड इस वाले वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अब बात करते हैं इस सेटअप को आपको क्रिएट कैसे करना है। तो इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए आपको तीन थीम्स का यूज करना पड़ेगा एंड तीनों थीम्स आपको थीम स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें सबसे पहले फर्स्ट वाली थीम आपको जो डाउनलोड करनी है वो डार्क V4 नाम से डाउनलोड करनी है एंड इसको ओनली आपको सिस्टम के लिए अप्लाई करना है। बट सबसे पहले आपको डार्क मोड को इनेबल करना है, उसके बाद ये वाली डार्क V4 थीम आपको अप्लाई करनी है। एंड बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई स्टेटस बार के ऊपर कोई भी थीम अप्लाई नहीं होती, जो भी थीम आप सिस्टम के लिए अप्लाई करती हो वो ऑटोमेटिक स्टेटस बार के लिए अप्लाई हो जाती है। तो आपको इस थीम को आपको ओनली सिस्टम के लिए अप्लाई करना है एंड डार्क मोड इनेबल करना है। साथ ही आपको जो सेकंड वाली थीम यूज करनी है उसका नाम आपको शिव लुक के नाम से देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे इस थीम को आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड आइकन्स के लिए अप्लाई करना है एंड यहाँ पे अनलॉक मेथड काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बारी आती है इस सेटअप के क्लॉक विजिट को चेंज करने की। तो क्लॉक विजिट को चेंज करने के लिए आपको एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसका नेम आपको ये वाला देखने को मिल जाता है। थीम को डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, क्लॉक विजिट ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लेना एंड कंप्लीट आपके सामने लुक चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने यार आपको वीडियो में क्रिएट करके दिखा दिया है। एंड वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाओ।